पार्ट वन की शुरुआत होती है और हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहां एक औरत आती है जिसका नाम चेरोलेट होता है, जो एक डॉक्टर होती है, जो यहां पे एक रूम रेंट पे लेने के लिए आती है और उसे वो रूम पसंद आ जाता है। आगे हमें वो उस रूम के मालकिन को पैसे देते दिखाई जाती है। फिर वो फ्रेश होके वहां से अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंच जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे को स्टोरी सुना रही होती है। उसके बेटे का नाम बेंजामिन होता है। फिर वो अपने बेटे को सोने को कहके वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो और उसका हस्बैंड बातचीत कर रहे होते हैं। उसके हस्बैंड का नाम मैक्स होता है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मुझे इस 23 तारीख को WPFT पे जाना है, तो क्या तुम बेंजामिन को स्कूल से लेके आओगे? और मैक्स कहता है ठीक है। फिर हमें वो दोनों इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं। अगले दिन चेरोलेट हॉस्पिटल में काम करती दिखाई जाती है। तभी वहां पे कंपाउंडर आता है और उसे कहता है कि एक पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। और फिर वो हमें उस पेशेंट के पास जाती दिखाई जाती है और आगे हमें वो दोनों इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं। फिर वो फ्रेश होकर वहां से चली जाती है और स्कूल में बच्चों को लेक्चर देती दिखाई जाती है। दूसरे दिन हमें वो हॉस्पिटल के एक पेशेंट का इलाज करते दिखाई जाती है और अगले ही सीन में वो दोनों हमें इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं। अगले सीन में हमें वो फिर से एक और पेशेंट के साथ इंटीमेट होती दिखाई जाती है। दरअसल ये अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने पेशेंट का इस्तेमाल करती है और मूवी के स्टार्टिंग में जो रूम लेते हैं ये दिखाई जाती है वो इन सब चीजों के लिए ही होता है। और वो अपने हस्बैंड के साथ भी रोज इंटीमेट होती है जिससे उसे इस पे शक ना हो। अगले सीन में चेरोलेट और मैक्स अपने बेटे बेंजामिन के साथ खेल रहे होते हैं। फिर हमें वो दोनों इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं और अगले सीन में हमें वो एक बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट होते दिखाई जाती है। आगे वो हमें कहीं भाग के जाते हुए दिखाई जाती है। दरअसल वो स्कूल में बेंजामिन के टीचर से मिलने जाती है जहां मैक्स पहुंच चुका होता है पर ये लेट हो जाती है। अगले सीन में वो हमें किचन में काम करती दिखाई जाती है। तभी वहां मैक्स आता है और पूछता है तुम आ रही हो ना? और वो कहती है हाँ। दरअसल मैक्स एक आर्किटेक्ट होता है और वो चेरोलेट को अपना काम दिखाने के लिए बुलाता है। आगे हमें चेरोलेट किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाई जाती है। तभी वहां मैक्स आता है। फिर वो हमें बिल्डिंग के अंदर दिखाई जाती है और जब वो वापस जा रही होती है तभी वहां पे उसे एक आदमी काम करता दिखाई देता है। वो उसकी तरफ देखती है और वो आदमी कहता है क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? दरअसल ये चेरोलेट का एक पेशेंट रह चुका होता है जो इसके साथ इंटीमेट भी हो चुका होता है। और वो आदमी जब उसका हाथ पकड़ता है तो चेरोलेट चिल्लाने लगती है और चेरोलेट को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पे घूसा मार देती है। पर जब चेरोलेट को दुख होता है तो वो उसके पास जाती है और फिर से उसके मुंह पे घुसा मार देती है और तभी वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वो हमें हॉस्पिटल में बेहोश दिखाई जाती है। उसके पास मैक्स बैठा होता है। तभी चेरोलेट को होश आता है और इस मूवी का पार्ट 2 शुरू होता है। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ चेरोलेट किसी लेडी के साथ बैठी होती है। तभी वो कहती है हम कल मिलेंगे और वो लेडी जब चेरोलेट को गेट तक छोड़ने जाती है तो चेरोलेट कहती है ये वक्त उसके लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए भी, उसे अब मुझ पे भरोसा नहीं है। अगले दिन फिर से वो उस लेडी के घर उसके साथ दिखाई जाती है और वो लेडी उससे पूछती है नई दवाई कैसी चल रही है और चेरोलेट कहती है मुझे पता नहीं मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। और वो लेडी पूछती है क्या हम शुरू करें और चेरोलेट कहती है हाँ। दरअसल ये लेडी मनोचिकित्सक है और पार्ट वन के उस हादसे के बाद मैक्स को सब पता चल चुका होता है जिस वजह से चेरोलेट अपने फैमिली को बचाने के लिए अपना इलाज करवाना शुरू करती है। अगले सीन में हमें चेरोलेट और मैक्स उस लेडी के सामने बैठे दिखाए जाते हैं। तभी वो लेडी पूछती है क्या आप मैक्स और जिन आदमियों को आपने कमरे में बुलाया था उनके बीच का डिफरेंस बता सकती है? और चेरोलेट कहती है ये दोनों अलग है, मैक्स एक अच्छा इंसान है और उसको छूना मुझे अच्छा लगता है। फिर मैक्स कहता है तो फिर तुमने वो रूम रेंट पे क्यों लिया? और चेरोलेट खामोश ही रहती है। अगले दिन फिर से वो उस लेडी के सामने बैठे होते हैं। तभी चेरोलेट कहती है मेरे पेट पे किसी का हाथ था और तभी मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, वो बड़ा और अजीब था। तभी वो लेडी पूछती है और उसका चेहरा? और चेरोलेट कहती है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मैं उसके बाहों के बाल देख रही थी। फिर वो लेडी पूछती है आपने ऐसे लोगों को क्यों चुना जिसके बाल बड़े थे? एक के नाक पे चोट लगी थी, किसी के नाखून बड़े थे। और चेरोलेट कहती है मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा ही होगा। आगे वो हमें बाहर आके बैठी हुई दिखाई जाती है और तभी अचानक वो हंसने लगती है। अगले दिन वो कोर्ट के बाहर बैठी होती है। तभी एक लेडी आती है और उसे अंदर बुलाती है और वो अंदर चली जाती है। कोर्ट में सुनवाई होती है और उसके दिमाग की हालत ठीक ना होने की वजह से उसे डॉक्टर की जॉब छीन ली जाती है। अगले सीन में हमें वो रूम दिखाया जाता है जहाँ पे चेरोलेट बेड पे बैठी होती है और वहाँ पे मैक्स भी होता है। दरअसल उसे दिमाग की बीमारी होती है
जिसकी वजह से उसे डॉक्टर की जॉब से निकाल दिया जाता है और वो बीमार है ये जान के मैक्स भी उसे माफ कर देता है। तभी पार्ट 3 की शुरुआत होती है। उस बात को 2 साल हो चुके हैं और अब वो इंडिया आ चुके हैं और अब उनके 2 ट्विन बच्चे भी होते हैं। अगले सीन में चेरोलेट मैक्स की साइट पे जाती है और जब वो एक इंजीनियर से बात कर रही होती है तो मैक्स की उस पे नजर पड़ती है और वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन चेरोलेट जब मैक्स की साइट देखने जाती है तो सिक्योरिटी मैन उसे कहता है यहाँ कोई नहीं है, पर चेरोलेट उससे पूछती है क्या मैं अंदर जा सकती हूँ और सिक्योरिटी वाला उसे जाने देता है। जब मैक्स घर आता है तो वो चेरोलेट को ढूंढता है पर उसकी नौकरानी उसे बताती है कि मैम बाहर गई है। तो मैक्स पूछता है कि क्या वो रोज अकेले बाहर जाती है और नौकरानी कहती है हाँ। रात को जब चेरोलेट और मैक्स इंटीमेट हो रहे होते हैं तब चेरोलेट की आंखें बंद होती हैं और जब मैक्स की नज़र उस पर पड़ती है तो वो कहता है मेरे सामने देखो और वो गुस्से में वहां से चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल मैक्स को चेरोलेट पे अभी भी शक होता है और वो उस बात को अभी तक भुला नहीं पाया होता है। अगले दिन जब चेरोलेट घर से निकलती है तो मैक्स उसका पीछा करता है और चेरोलेट जब उस साइड पे जाती है तो मैक्स पीछे पीछे जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो उसे चेरोलेट वहाँ कोने में बैठे दिखाई देती है और मैक्स मन ही मन में रिग्रेट करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैक्स उस बात को लेकर रात को सो नहीं पाता। दूसरे दिन वो दोनों बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाए जाते हैं पर रात को जब वो साथ में होते हैं तब मैक्स दुखी होता है और कहता है कि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तुम कौन हो। और अगले सीन में चेरोलेट और मैक्स साथ में एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। इस मूवी का नाम ब्राउनियन मूवमेंट है जो 2010 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस मूवी को IMDb पे 4.9 स्टार मिले हैं पर कुछ लोगों का मानना है कि ये मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिस वजह से ये लोगों को समझ नहीं आई। बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी।